15 अप्रैल को प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और अशरफ की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन एक महीना बीत जाने के बाद भी जांच एजेंसियां किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। अतीक और अशरफ हत्याकांड में एसआईटी को एफएसएल की जांच रिपोर्ट का इंतजार है, जिसमें तीनों शूटर्स लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य 25 मई तक जुडिशियल कस्टडी रिमांड पर प्रतापगढ़ जेल में बंद हैं। जांच एजेंसियों को यह पता करना है कि मौके से पकड़े गए तीनों शूटर्स के पीछे किसी और का हाथ तो नहीं था। शूटर्स को पुलिस के मूवमेंट की सूचना कहां से मिली? वारदात को अंजाम देने के बाद शूटर्स ने भागने की कोशिश क्यों नहीं की और उनके पास विदेशी जिगाना पिस्टल कहां से आई? और तो और पुलिस की थ्योरी पर भी सवाल उठे थे। पुलिस अतीक और अशरफ को एम्बुलेंस के बजाय जीप से क्यों लेकर आई थी? जीप को हॉस्पिटल के अंदर तक क्यों नहीं ले जाया गया? पिछले महीने 15 अप्रैल को प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए ले जाते समय तीन बदमाशों ने फायरिंग करके अतीक और अशरफ की हत्या कर दी थी। मामले में राज्य सरकार की तरफ से न्यायिक आयोग और पुलिस की तरफ से एसआईटी का गठन किया गया था। उम्मीद है कि दोनों एसआईटी की चार्जशीट और न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में ही मामले का खुलासा हो सकता है। इस मामले में भी सियासत हो रही है, विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि विपक्षी पार्टियों को अपनी पोल खुलने का डर है। जब कार्रवाई हो गई तब भी उनके पेट में दर्द हो रहा है, अब जब एसआईटी गठित हो गई है, न्यायिक प्रक्रिया के तहत काम हो रहा है और उसके बाद भी अगर विपक्षी दलों के पेट में दर्द हो रहा है, तो उनकी समस्या मेन यही है कि ऐसे अभी बहुत सारे राज आने बाकी हैं जिसमें विपक्षी दलों की संलिप्तता भी दिखेगी आपको। जौनपुर में लाख कोशिशों के बाद भी धर्मांतरण का खेल नहीं रुक रहा। आए दिन ईसाई मिशनरी पर लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करने का आरोप लग रहा है, इससे खाकी पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। जौनपुर के बदलापुर में फिर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। आरोप है कि बदलापुर में ईसाई मिशनरी की तरफ से लालच देकर बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। जब इसकी सूचना हिंदू संगठनों को लगी तो हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंच गए। वहां पे सूचना मिला हम लोगों को, सराय गुंजा में धर्म परिवर्तन अनीता रजक के द्वारा किया जा रहा था। विगत दो वर्षों से लगातार ये चल रहा था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्म परिवर्तन की शिकायत पुलिस से की। शिकायत पर पुलिस ने पादरी महिला के खिलाफ कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। जितने भी इनके पास आते हैं धर्म परिवर्तन कराने, जो बदले में आलू प्याज पर व्यक्ति से लेते हैं और ये लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा इन लोगों को देते हैं जो धर्म परिवर्तन कराते हैं। बदलापुर में धर्म परिवर्तन का ये पहला मामला नहीं है। 13 फरवरी को भी कई गांवों में ईसाई मिशनरियों की तरफ से लालच और बहला फुसलाकर बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा था। तब भी पुलिस ने मामले में सेंट जेवियर्स के प्रबंधक थॉमस जोसेफ समेत कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया था। अब लगातार सामने आ रहे धर्म परिवर्तन के मामलों से पुलिस और LIU की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठ रहा है। मेरठ की एक वायरल वीडियो ने सनसनी मचा दी है। इसके बाद भाजपा के सांसद ने पुलिस को सख्त लहजे में चेतावनी। दरअसल दो दिन पहले मेरठ की भगत सिंह मार्केट का ये वीडियो वायरल हुआ था। चेहरा दिखाओ अपना। जिसमें समुदाय विशेष के दो युवतियों के साथ जा रहे एक युवक की न सिर्फ पिटाई की गई, बल्कि दोनों युवतियों के साथ बदसलूकी को भी अंजाम दिया गया और उनका हिजाब जबरन हटाने की कोशिश की गई। अब इस वीडियो पर मेरठ में महाभारत शुरू हो गई है। पुलिस ने जहां मामले में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं भाजपा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इस घटना पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही पुलिस को भी अल्टीमेटम दिया है कि 3 दिन बीतने के बाद भी केवल एक गिरफ्तारी, सबके सब गिरफ्तार होने चाहिए और उस इलाके में, उस इलाके के माध्यम से मेरठ महानगर में संदेश जाना चाहिए कि इस तरह की मुठमर्दी इस कानून के राज में नहीं चल सकती। सांसद की दो टूक के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप है। पुलिस का दावा है कि सभी आरोपियों की शिनाख्त हो गई है, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसमें 3-4 युवकों को चिन्हित किया गया, जिसमें से एक युवक गिरफ्तार कर लिया गया और वेशना में ये प्रकाश में आया कि जो युवतियां और युवक था वो दोनों ही दूसरे को जानते थे, वो एक फैक्ट्री में पूर्व में काम करते थे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।